ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। Xiaomi ने चाइना में आज अपना एक और नया धमाकेदार स्मार्टफोन पेश कर दिया, पर यह फोन Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर नहीं बल्कि Redmi ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च किया गया है। जी हाँ, हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि कंपनी अब Redmi ब्रांड को एक अलग आइडेंटिटी दे रही है और उसी ब्रांड के अंदर आज कंपनी Redmi Note 7 लेकर आई है। इस फोन की खास बात क्या है, इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि Xiaomi के इस नए फोन Redmi के इस नए स्मार्टफोन में क्या है खास। अब सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले की अगर हम बात करेंगे तो फोन देखने में डेफिनेटली Xiaomi ने इस बार बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। इस फोन का बैक पैनल ग्लास का है जिस पर ग्रेडेड कलर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर फ्रंट पर नजर डालेंगे तो आपको एक छोटा सा ड्रॉप साइज का नॉच मिल जाता है जो कि आजकल ट्रेंड में है। इनफैक्ट इसका चिन्ह भी कंपनी ने पहले के मुकाबले अब कम कर दिया। वहीं डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो 6.3 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो डेफिनेटली Xiaomi ने इस बार अपनी कंस्ट्रक्शन पे अच्छा खासा काम किया है और आपको ये फ़ोन ज़रूर लुभाएगा। वहीं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो Redmi Note 7 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट जिसमें 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज दी गई है विच इज़ एक्सपैंडेबल। साथ ही साथ इसमें है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा जिसका प्राइमरी अपर्चर f1.8 है। साथ साथ इसका फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया है और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए और हमेशा की तरह आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इस फोन की इंडिया अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में। हालांकि इस फोन की इंडिया अवेलेबिलिटी के बारे में अभी कंपनी ने कुछ भी जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता हूं। पर उससे पहले आपको बता दूं कि इसके दो और वेरिएंट्स भी हैं। 6GB के अलावा आपको 3GB और 4GB रैम वेरियंट मिलता है जिसमें 32GB और 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। ऐसे में अगर हम चाइनीज प्राइसिंग को इंडियन रुपीज़ में ट्रांसलेट करेंगे तो 3GB रैम वेरियंट कीमत बनती है लगभग 10,000 रुपये, 4GB रैम वेरियंट कीमत बनती है लगभग 12,000 रुपये और 6GB रैम वेरियंट कीमत बनती है लगभग 15,000 रुपये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना के हिसाब से प्राइसिंग तो एकदम जायज़ है। अगर कंपनी इसी प्राइस पर इसको इंडिया में लॉन्च करती है तो डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से किल करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि हमें बात पता है कि प्राइसिंग इंडिया में आते आते थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर फिर भी अपने प्राइस को ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब देखना यह है कि कंपनी इस फोन को इंडिया में कब लाती है और क्या उस समय इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होगा या फिर नहीं। पर एनीवे, अगर हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई ID पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल IDs मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। Until then, this is Keshav Khera signing off.